मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के लोगों ने साबित कर दिया कि अगर कोशिश की जाए तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। सूखे से परेशान होकर देश के कई हिस्सों में लोगों ने हार मान ली, लेकिन टीकमगढ़ के शुक्लान टौरिया गांव के लोगों को उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उनके हौसले बस नहीं हुए और इसी का नतीजा है गांव का ये तालाब। 80 परिवारों वाले इस गांव के लोगों ने अपनी विरासत को सहेजने का जिम्मा खुद उठाया। गांव के एकमात्र चंदेलकालीन तालाब की हालत को सुधारने के लिए उन्होंने चंदा इकट्ठा किया। हर गांव वाले ने प्रति एकड़ के हिसाब से 412 रुपए का योगदान भी दिया। गांव वालों के इस जज्बे को देखकर एक स्वयंसेवी संस्था भी आगे आई और 3 लाख रुपए की मदद दी और तैयार हो गया शुक्लान टौरिया गांव का अपना तालाब, जिसने गांव के लोगों की पानी की दिक्कत को दूर कर दिया। तालाब के मेंटेनेंस के लिए गांव के लोगों ने जो योजना तैयार की है उसमें अब वो हर उस किसान से 50-50 रुपए लेंगे जो इस तालाब के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए करेगा। इस पैसे से तालाब का रखरखाव किया जाएगा। गांव वालों की इस काबिले तारीफ कोशिश के लिए जिला प्रशासन गणतंत्र दिवस के मौके पर गांव वालों को सम्मानित भी करेगा। और इसमें पानी तो पहले बिल्कुल नहीं रहता था, पानी सब निकल जाता था, जहता था। फिर भाई साहब हम लोगों ने मिलकर काम लगाया है यहाँ तालाब पर। आज 2-4-10 गांव में पानी भी नहीं है भाई साहब पीने के लिए। हमारे यहाँ आज भी पानी है और जो पूरा मनान बना ये सब तालाब बनाया है, बहुत बढ़िया तालाब बना, इसमें पानी के विकास है, किसान लोगों को फायदा हुई, 70 एकड़ इससे जमीन रहती। सर इससे पहले तालाब टूटा फूटा था, इसमें कोई पानी नहीं रुकता था, तो सर हम लोगों ने पहले गाँव वालों ने मिल के एक कमेटी बनाई। सर कमेटी बना के सुना कि परमार संस्था वाले भी हैं, तो सर उनसे जुड़े और उन सर हम लोगों ने अपना अन्नदान भी सर इसमें किया है और उनके द्वारा भी इसका निर्माण कराया गया है। ये तो बहुत ही मतलब ग्रामीणों ने बहुत ही बड़ा और बहुत ही अनुपम प्रयास किया है और इसके लिए बधाई है हमारी। मैं भी उस तालाब को जरूर देखने जाऊंगा और उसे जरूर देखूंगा। बिल्कुल नहीं, उनको हम लोग प्रोत्साहित कर सकते हैं, बिल्कुल आपने संज्ञान में लाया है, उसको हम लोग जांच करा लेते हैं, उनको 26 जनवरी को हम लोग पुरस्कार दिला सकते हैं।